Assalamu alaikum, my name is Fazal Bahar, we are watching my YouTube channel. Today's topic is motion due to gravity. Yani jo bodies hum kisi height se chhod dete hain to wo zameen ki taraf jab aate hain to isko hum kehte hain motion due to gravity. Yani zameen cheezon ko apni taraf khinchti hai, aur sirf zameen nahi balki agar aap chand ke surface pe kisi cheez ko phenkte hain to wo cheez chand ki taraf wapas aati hai, yani chand ke surface ke upar gir jati hai. इस तरह अगर आप किसी और सैटेलाइट के ऊपर किसी बॉडी को आप फेंक देते हैं ऊपर हवा में तो वो वापस आ जाती हैं उस बॉडी की तरफ, ठीक है, हैवी बॉडी की तरफ. यानी जो हैवी बॉडीज हैं, ठीक है ना, वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती हैं, जैसे ज़मीन चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है. इस तरह से तमाम बॉडीज़, हाँ वो मून है, वो दूसरे सेटेलाइट्स हैं, वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचती हैं. और जब भी हम किसी बॉडी को हवा में उछालते हैं तो वो हमेशा के लिए उस बॉडी की तरफ वापस आती है, ठीक है. तो इसको हम कहते हैं मोशन ड्यू टू ग्रेविटी. ग्रेविटी असल में बॉडीज, जो हैवी बॉडीज है, जैसे मून है, जैसे अर्थ है, जैसे जुपिटर है, जैसे बाकी सैटेलाइट्स हैं या सन है, वो हमेशा के लिए चीज़ों को अपनी तरफ खींचती है. और इस फोर्स को, जो खींचने की ये फोर्स है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की ये फोर्स है, इसको हम कहते हैं ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है. तो बॉडीज हमेशा के लिए इन हैवी बॉडीज़ की तरफ वापस आती है. ज़मीन के ऊपर हम एक्सपेरिमेंट बार बार करते हैं कि जब भी कोई छत से कोई चीज़ गिरती है तो नीचे आके ज़मीन के सरफेस के ऊपर टकराती है. कोई पैराशूटर जो होता है, वो जब पैराशूट के ज़रिए ज़मीन की तरफ आता है तो वो ऊपर नहीं जाता बल्कि ज़मीन की तरफ वापस नीचे आता है, ठीक है. अब यहाँ पे पहले जो अरिस्टोटल ने इसके ऊपर वर्क किया था वो ये था कि उसने ये कहा था कि भाई दो डिफरेंट बॉडीज हैं जिसके मासेस डिफरेंट हैं. एक हैवी मास वाला बॉडी है और एक लाइट मास वाला बॉडी है, ठीक है. तो उसने ये कहा था कि जब दो डिफरेंट मासेस के बॉडीज को आप छोड़ देते हैं तो जो हैवी बॉडी है वो ज़मीन की तरफ तेज़ी से आती है और जो लाइट बॉडी है वो स्लोली आती है, ठीक है. लेकिन बाद में गैलीलियो ने इस बात को गलत साबित कर दिया और उसने डिफरेंट बहुत सारे सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट किए और उसने साबित किया कि जो हैवी बॉडीज़ हैं और जो लाइट बॉडीज़ हैं वो एक ही कॉमन एक्सेलरेशन से ज़मीन की तरफ आती हैं, ठीक है. यानी चूँकि उन्होंने ज़ाहिर है ये एक्सपेरिमेंट ज़मीन के ऊपर किए थे तो ये ज़मीन की तरफ आती हैं. बाकी आप सन के ऊपर भी करते हैं, अगर आप मून के ऊपर करते हैं, अगर आप बाकी सेटेलाइट्स के ऊपर करते हैं तो सब में सेम रूल्स अप्लाई होते हैं, ठीक है. अब आप ये देखिए, ये एक एक्सपेरिमेंट है और इसके यूट्यूब के ऊपर बहुत अच्छे अच्छे एक्सपेरिमेंट मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पे उसने एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है. एक फेदर लिया हुआ है और एक स्टोन लिया हुआ है, छोटा सा एक स्टोन लिया है इन्होंने, ठीक है. और एक ऐसा ट्यूब लिया है जिसके अंदर हवा भरी गई है, ये हवा उसके अंदर पहले से मौजूद है, ठीक है. तो उसने क्या किया कि इन दोनों बॉडीज़ को यहाँ से एक साथ छोड़ दिया, फेदर को और ये जो अर्थ सॉरी जो जो स्टोन है, इन दोनों को एक साथ छोड़ दिए और देखा कि पत्थर तेजी से जा रहा है, ठीक है, जबकि फेदर जो है आराम आराम से जा रहा होता है. क्योंकि पत्थर हैवी है और फेदर जो है वो लाइट है तो पत्थर पैर तेजी से जा रहा है, लेकिन इसकी वजह उसकी हैवीनेस और लाइटनेस नहीं है. इसमें जो पत्थर ज़्यादा तेजी से जाके पहले गिरता है और फेदर जो है बाद में आराम आराम से आके गिरता है, उसकी रीज़न उसके मासेस या हैवीनेस और लाइटनेस नहीं है बल्कि एयर रेजिस्टेंस है. इस ट्यूब के अंदर हवा मौजूद है, ठीक है. उस हवा का जो रेजिस्टेंस है वो पत्थर के ऊपर कम है और जो फेदर है उसके ऊपर ज़्यादा है. दूसरी ट्यूब में उसने ये किया कि इस ट्यूब से ये हवा निकाल दी गई या सेम ट्यूब ले लिया जिसमें हवा मौजूद ना हो, बिल्कुल एक एम्प्टी स्पेस है, बिल्कुल हवा खाली कर दी गई, इसमें से निकाल दी गई, ठीक है. और फिर जब छोड़ दिया गया, ठीक है, तो ये दोनों पर एक साथ आके गिरते हैं. ये फेदर है, ठीक है, यानी पर है और ये एक पत्थर है. जब दोनों को इधर से छोड़ दिया गया तो ये दोनों एक साथ नीचे गिरते हैं, ठीक है. तो इसलिए चूंकि यहाँ पे इस ट्यूब के अंदर एयर मौजूद थी, हवा थी, और हवा का जो रेजिस्टेंस है ना, एयर रेजिस्टेंस है, उसकी वजह से फेदर आराम से नीचे आ रहा है. इस वजह से नहीं कि फेदर लाइट है और जो पत्थर है वो भारी है, इस वजह से ये पत्थर पहले आके गिर रहे हैं और जो फेदर है ये बाद में आके गिर रहा है, बल्कि इसकी मेन रीज़न ये है कि इसके अंदर हवा मौजूद है. क्योंकि पर के ऊपर उसका सरफेस एरिया ज़्यादा है
पर के ऊपर ईयर रेजिस्टेंस ज़्यादा होने की वजह से ये आराम आराम से आ रहे हैं, जबकि पत्थर जल्दी से आके नीचे आ जाता है। और ज़मीन के ऊपर भी अगर हम ये एक्सपेरिमेंट नॉर्मली करेंगे, एक कागज़ आपने ले लिया और एक पत्थर ले लिया और आपने किसी छत से नीचे गिरा दिया, तो जाहिर है पत्थर तो सीधे जाके गिर जाएगा जी, जबकि कागज़ आराम आराम से नीचे आएगा, उड़ता हुआ नीचे आएगा। असल में उसकी उड़ने की रीज़न उसका वज़न नहीं है, बल्कि उसका वज़न जो उसको उड़ने की रीज़न है या आराम से नीचे गिरने की रीज़न है, वो उसमें असल में जो ईयर रेजिस्टेंस है ऊपर, जो अपोजिट डायरेक्शन में उसके ऊपर एक्ट कर रही होती है, उसकी रीज़न असल में वही होती है। ठीक है, तो इसकी समरी यही है कि जो हैवी बॉडीज़ हैं और लाइट बॉडीज़ हैं वो ज़मीन की तरफ एक ही एक्सेलरेशन से नीचे गिरते हैं, और ज़मीन के सरफेस के ऊपर ये जो एक्सेलरेशन है ये अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू वैसे 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, 9.81 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इसकी एवरेज वैल्यू है, लेकिन हम कैलकुलेशन में अप्रॉक्सीमेट इसका 10 लेते हैं या 9.8 भी लेते हैं, 10 भी लेते हैं। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू होती है, ये हैवी बॉडीज़ के लिए ये एक्सेलरेशन की वैल्यू, और लाइट बॉडीज़ के लिए सबके लिए सेम होती है। इसलिए बॉडीज जो हैवी बॉडीज़ हैं या लाइट बॉडीज़ हैं वो एक ही एक्सेलरेशन के साथ ज़मीन की तरफ आते हैं और ज़मीन के ऊपर गिर जाते हैं। ज़मीन के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट आप एक ही तरह से कर सकते हैं कि आप एक ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ से आप हवा को निकाल सकें, एक ऐसे जैसे इन ट्यूब्स के अंदर किया गया कि इसमें से हवा निकाल दी गई, तब जाके ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। नॉर्मल लाइफ में ज़मीन के ऊपर ये एक्सपेरिमेंट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि हवा होती है और उस हवा की वजह, हाँ आप जो जिनके जिन चीज़ों के ऊपर ये रेजिस्टेंस कम है, मिसाल के लिए दो पत्थर आप ले लें, एक छोटा ले लें एक बहुत बड़ा ले लें, तो ये एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं, क्योंकि इनके ऊपर ये रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल फ़र्क होता है बड़े पत्थर के ऊपर और छोटे वाले पत्थर के ऊपर, जो ये रेजिस्टेंस है उसका असर बहुत कम होता है, यानी फ़र्क बहुत कम होता है। तो आप देखते हैं कि अब 10वीं मंजिल से भी अगर आप इन दोनों पत्थरों को, छोटे बड़े पत्थरों को गिराएंगे, तो वो ज़मीन के ऊपर एक साथ गिरते हैं। ठीक है, तो एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा लाइट बॉडी लेते हैं, जैसे पर है, जैसे कागज़ है, ठीक है, जैसे कपड़े का कोई टुकड़ा है जिसके ऊपर ईयर रेजिस्टेंस ज़्यादा हो, तो फिर वही एक्सपेरिमेंट आप एक ही सूरत में कर सकते हैं कि आप कोई ऐसा माहौल क्रिएट करें जिसमें हवा ना हो, तो फिर जाके एक्सपेरिमेंट आप कर सकते हैं। बहरहाल अच्छा, इसमें फिर इक्वेशंस ऑफ मोशन जो फ्री फॉलिंग बॉडीज़ के लिए हैं आपके पास ये वाली हो जाएगी कि वी एफ जो फाइनल वेलोसिटी हो जाएगी वी आई प्लस जी टी, यानी जो एक्सेलरेशन है ना एक ही जगह हम फिर जी यूज़ करेंगे नॉर्मली जो जो फ्री फॉलिंग बॉडीज़ के लिए। इस तरह से एस इज इक्वल टू वी आई टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हम यूज़ कर लेते हैं। ठीक है, और ये तो डिपेंड कर लेता है माइनस का साइन जो है कि बॉडीज ऊपर की तरफ जा रही है या नीचे की तरफ आ रही है, तो उसके ऊपर डिपेंड कर लेता है। ठीक है, और इस तरह से टू जी एच इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर हम ये यूज़ करते हैं। वैसे एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर होता है। ठीक है, तो इसकी जगह प्लस भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जी की आप प्लस कीजिएगा, मेरे ख्याल में यहाँ कुछ नहीं गलती करी हुई है, ये हमेशा के लिए यहाँ से थोड़ी सी मिसप्रिंटिंग हो गई है, ये प्लस वाला पॉइंट टू जी टी स्क्वायर है। ठीक है, जी की वैल्यू इक्वेशन ऑफ मोशन में अगर कोई बॉडी ऊपर की तरफ जा रही होती है तो उसमें जी की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं, अपर जो ऊपर अपर के अपवर्ड मोशन होती है उसमें जी की वैल्यू हम नेगेटिव लेते हैं, क्योंकि वैल्यू कम हो रही होती है। जी की वैल्यू जैसे जैसे ज़मीन के सरफेस से ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं या कोई बॉडी जा रही होती है तो जी की वैल्यू कम हो रही होती है, तो इसलिए हम जी की वैल्यू नेगेटिव यूज़ करते हैं। अगर बॉडी ज़मीन की तरफ आ रही होती है तो जी की वैल्यू हमेशा के लिए पॉजिटिव इस्तेमाल होती है। ठीक है, तो ये तीन इक्वेशन ऑफ मोशन फ्री बॉडीज़ के लिए, फिर एक ही जगह हम जी यूज़ करेंगे। ठीक है, और इस तरह से हाइट की जगह हम क्या यूज़ करेंगे, एच यूज़ करेंगे, सॉरी एस की जगह जो डिस्टेंस है उसकी जगह पर हम हाइट यूज़ करेंगे, क्योंकि इसमें फिर हाइट कवर हो रहा होता है डिस्टेंस की जगह। ठीक है, तो वो भी एक तरह की डिस्टेंस है, लेकिन फिर जाहिर है उसकी खास नेम हम देते हैं, हाइट देते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगी एच इज इक्वल टू वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, और ये टू जी एच हो जाएगा इज इक्वल टू वी एफ स्क्वायर माइनस वी आई स्क्वायर। ठीक है, तो ये फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए मोशन ड्यू टू ग्रेविटी की थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन थी।
इस चैप्टर से कुछ इस चैप्टर से रिलेटेड कुछ न्यूमेरिकल्स हैं और कुछ इसके एमसीक्यूज़ हैं, तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसको हम कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू.